अखिलेश बौखलाए हुए हैं। चंदौली घटना के दोषियों पर होगी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें, हिस्ट्री सीटर को पकड़ने गई पुलिस की पिटाई से उनकी बेटी की मौत के मामले में राजनीति तेज होती जा रही है। घटना पर अखिलेश यादव ने पुलिस को हत्यारा बताया, साथ ही घटना को प्रायोजित हत्या कहा गया है। इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश बौखलाए हुए हैं, कोई पुलिस वाला अगर गलत करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने वाराणसी में बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान मीडिया से बातचीत में यह टिप्पणी की। मालूम हो कि मामले में SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। SHO सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। चंदौली कांड में बंद कमरे में बेरहमी से पीटा और देखा तो फंदे पर लटकी मिली दीदी, छोटी बहन का दावा। जी हां, आपको बता दें, इस कहानी में पुलिस की पिटाई से लड़की की मौत के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि आरोप संज्ञान में है, इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच हो रही है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल संबंधित थाने के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। कन्हैया पर पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए उसे पूर्व में जिला बदल कर दिया गया है। साथ ही साथ उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। कोर्ट ने कन्हैया यादव के खिलाफ NBW जारी किया था, इसलिए पुलिस उसकी तलाश में दबिश देने गई थी। कन्हैया यादव और उनके परिजनों का आरोप है कि दबिश के दौरान घर पर निशा और गुंजा नाम की दो बहनें ही मौजूद थी। पुलिस ने दबिश देने के दौरान पूछताछ के नाम पर दो बहनों के साथ मारपीट की। इससे बचने के लिए बड़ी बहन निशा पहली मंजिल पर चली गई, उसके पीछे महिला और पुलिस कांस्टेबल भी गए और उसके साथ मारपीट की। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान निशा की मौत हो गई और पुलिसकर्मियों ने उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। इसके बाद पुलिसकर्मी वहां से फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।